हेलो डियर चिल्ड्रेन, पिछले वीडियो में हमने हिंदी व्याकरण एवं रचना से पाठ 10 पढ़ा था। पाठ 10 है विलोम शब्द। इस पाठ में आपने जाना कि एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। आज हम इसी पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे। आप लोग अपनी हिंदी व्याकरण की बुक, पेंसिल और इरेजर निकाल लीजिए। देखिए, पहला प्रश्न है, एक दूसरे के उल्टे अर्थ बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? एक दूसरे के उल्टे अर्थ बताने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। एक बार फिर से सुनिए, प्रश्न है, एक दूसरे के उल्टे अर्थ बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? उत्तर, एक दूसरे के उल्टे अर्थ बताने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। आप व्याकरण की बुक का काम बुक में ही करेंगे, साफ और सुंदर राइटिंग में मात्राओं पर विशेष ध्यान देते हुए। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके विलोम शब्द आपको लिखने हैं। पहला शब्द है अच्छा, इसका विलोम शब्द होगा बुरा। दूसरा शब्द है मौखिक, इसका विलोम होगा लिखित। तीसरा शब्द है अंधेरा, इसका विलोम शब्द होगा उजाला। अब आगे देखिए, चौथे नंबर पर दिया है भाई, भाई का विलोम शब्द होगा बहन। पांचवे नंबर पर है सरल, इसका विलोम होगा कठिन। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे का काम देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को उनके विलोम शब्दों से मिलाइए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं जिनमें आपको ए कॉलम के शब्दों को बी कॉलम के शब्दों से मिलाना है, उनके विलोम शब्दों से। आप यहाँ पर लाइन नहीं खींचेंगे, नंबर डालकर काम करेंगे। ए कॉलम के शब्दों का नंबर जहाँ पर उसका उत्तर होगा बी कॉलम में, उनके आगे आप उसका नंबर डालेंगे। पहले नंबर पर है गंदा, इसका विलोम शब्द होगा साफ। तो बी कॉलम में जहाँ साफ लिखा हुआ है, आप उसके आगे नंबर वन डाल देंगे। नंबर टू पर है कम, कम का विलोम होगा ज़्यादा। तो जहाँ ज़्यादा देखिए लिखा हुआ है, वहाँ पर आप नंबर टू डालिए। थ्री पर है दिन, दिन का विलोम होगा रात। अब देखिए, बी कॉलम में सबसे नीचे लिखा हुआ है रात, तो वहाँ पर आप नंबर थ्री डालेंगे। फोर पर है अमीर, इसका विलोम होगा गरीब। बी कॉलम में सबसे ऊपर देखिए गरीब लिखा हुआ है, वहाँ पर आप नंबर फोर डालेंगे। फाइव पर है छोटा, छोटा का विलोम होगा बड़ा। बी कॉलम में देखिए जहाँ बड़ा लिखा हुआ है, उसके आगे आप फाइव नंबर डालेंगे। सिक्स पर है पतला, पतला का विलोम होगा मोटा। तो आप मोटा के आगे सिक्स नंबर डालेंगे। सेवन पर देखिए है गर्मी, गर्मी का विलोम होगा सर्दी। आप सर्दी के आगे नंबर सेवन डालेंगे। आप इसको इसी तरह से नंबर डालकर करेंगे। अब आगे का प्रश्न देखिए, चित्रों का शब्दों से मिलान कीजिए। यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं और कुछ शब्द लिखे गए हैं, उन चित्रों को उन शब्दों से मिलाना है। तो पहली पिक्चर क्या बनी हुई है? चूहा। चूहा कैसा है? छोटा। तो जहाँ शब्द में देखिए दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है छोटा, तो वहाँ पर आप नंबर वन डालेंगे। और जहाँ पर चूहे की पिक्चर बनी हुई है, वहाँ पर भी आप नंबर वन डालेंगे। दूसरी पिक्चर देखिए है एक बच्चे की, जिसने गंदे कपड़े पहने हुए हैं। तो
जहाँ पे गंदा शब्द लिखा हुआ है वहाँ पर आप नंबर 2 डालेंगे और उस पिक्चर के आगे भी नंबर 2 डालेंगे। अब आगे देखिए नंबर 3 पर है, यहाँ पर भी एक बच्चा बना हुआ है लेकिन उसने साफ सुथरे कपड़े पहने हुए हैं, तो बच्चे के आगे आप 3 नंबर डालेंगे और जहाँ पर साफ लिखा है वहाँ पर भी 3 नंबर डालेंगे। 4 पर देखिए हाथी बना हुआ है, ये बड़ा है तो यहाँ पर आप 4 नंबर डालिए और जहाँ पर बड़ा लिखा हुआ है वहाँ पर भी आप 4 नंबर डालेंगे। इस प्रकार से आप चित्रों का उनके शब्दों से मिलान करेंगे। अब आगे एक और प्रश्न है, आप उसको भी देखिए। शब्द चुनकर विलोम शब्दों के जोड़े बनाकर लिखिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिनमें से आपको जोड़े बनाकर उनका विलोम लिखना है, मतलब आपको एक शब्द लेना है और उसका विलोम लिखना है वहाँ पर, तो वो जोड़े बन जाएंगे। जैसे क पर लिखा हुआ है माता, माता का विलोम होगा पिता। ख पर है बहन, बहन का विलोम होगा भाई। ग पर है रात, रात का विलोम होगा दिन। घ पर है महंगा, महंगा का विलोम होगा सस्ता। अंग पर है प्रश्न, इसका विलोम होगा उत्तर। च पर है भलाई, भलाई का विलोम होगा बुराई। आशा है आपको पाठ समझ में आ गया होगा और आप इन सारे कार्य को अपनी बुक में ही साफ सुंदर राइटिंग में मात्राओं पर विशेष ध्यान देते हुए करिएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।